नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुकेश सर कॉन्सेप्ट में। और आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ आपका, है ना। और आज समांतर श्रेणी के ऊपर है, शानदार ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट भी पूरा स्ट्रांग होगा। पूरा ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो एंड तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वैसा श्रेणी जिसमें दो पदों का बीच का अंतर समान, दो पदों के बीच का अंतर समान, यानी कि ये पद और ये दोनों के बीच का अंतर क्या होगा आपका, पहला पद दूसरा पद दोनों के बीच का अंतर समान, फिर तीसरा चौथा दूसरा और तीसरा के बीच पद समान, यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर होगा समान होगा। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे तीन है और यहाँ पे पाँच, दोनों के बीच का अंतर कितना है दो का, फिर सात और पाँच का अंतर कितना दो का, नौ और सात के बीच का अंतर दो का, ग्यारह और नौ में कितना अंतर दो का, ग्यारह से तेरह है ना दो का अंतर आ रहा है, इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं प्रथम पद। इसमें क्या होता है, पहला जो आपका होता है जहाँ से श्रेणी शुरू होती है उसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं प्रथम पद, है ना। और ये हो गया हमारा ए टू, इसको ए वन से मान लिया प्रथम पद को, और ए टू हमारा हो गया दूसरा पद, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वांतर, है ना। सर्वांतर यानी कि बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं सर्वांतर, यानी कि ए टू माइनस ए वन। यानी क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा समान सर्वांतर, है ना। क्या निकल के आएगा सर्वांतर, यहाँ पे आपका पास दो आ चुका है सर्वांतर। तो अब उनको क्या बोला है निकालने के लिए, पंद्रहवा पद का मान क्या होगा। तो पंद्रहवा पद का फॉर्मूला क्या लगेगा, हमारा लगेगा टी एन, टी एन का फॉर्मूला लगेगा टी एन बराबर टर्म ऑफ नंबर होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि आप देख लीजिए पंद्रह, यानी एन का मतलब कितना होगा, एन बराबर हमारे पास कितना है पंद्रह, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन बराबर फिफ्टीन, ठीक है। ए का मान कितना थ्री, एन माइनस वन यानी पंद्रह में से घटाएंगे गुना दो, यानी कि डी का मान यहाँ पर दो, चौदह सॉरी पंद्रह में से एक जाएगा कितना चौदह दूनी अट्ठाईस तीन, है ना इकतीस, फिर से देखिए तीन प्लस पंद्रह में से एक गया चौदह गुना दो अट्ठाईस, अट्ठाईस तीन इकतीस, यानी कि टी एन फिफ्टीन का मान मतलब आ गया कितना इकतीस, यानी कि पंद्रहवा पद का मान क्या होगा। ये तो आपका सिंपल चीज था। अब थोड़ा सा क्या होता है, अगर थोड़ा सा इससे थोड़ा टफ पूछना होता है तो बोलता है क्या कि बताइए कि एस एन यानी कि टोटल इसका योग क्या होगा, इतने पंद्रहवा पद का योग कितना होगा, मतलब सब को जोड़ते जाएंगे तो टोटल का मान कितना होगा, इसी को बोलते हैं इसका योग, है ना। चलिए इसकी इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, एस एन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सम टोटल का योग क्या होगा, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समझ रहे हैं, इसका मान आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एस एन यानी एन का मान कितना है पंद्रह, मैंने पंद्रह रख दिया, पंद्रह बाई टू एन बाई टू यानी कि पंद्रह बाई टू, फिर देखिए टू ए, टू ए ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे हमारे पास तीन है, ठीक है, पंद्रह माइनस एक चौदह गुना दो, चौदह दुनिया अट्ठाईस और तीन दुनिया छः, ठीक है, अट्ठाईस और छः कितना हो गया चौंतीस, और पंद्रह बाई टू आपके बारह में दो से कट गया सत्रह बार, पंद्रह गुना सत्रह करेंगे तो आपके पास अंदर कितना जाएगा दो सौ पचपन, दो सौ पचपन, यानी कि आपके पास आंसर आ चुका है कितना, पंद्रह गुना सत्रह दो सौ पचपन आपका उत्तर है, ठीक है। इस पर अगर कोई भी प्रश्न आपसे आप पूछा जाएगा तो आप इसी टाइप से बनाना है, उससे पहले पंद्रहवा पद का मान पूछेगा तो ये डी एन का फॉर्मूला लगाना है, योग पूछेगा सबका योग क्या होगा तो आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। आई होप कि आपको पूरी चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो अगर टी एन का फॉर्मूला से एक कुछ ट्रिक बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा आपको ये तुरंत चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्या है, अगर हमको इस फॉर्मूले को इतना ध्यान में रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है तुरंत चुटकियों में सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ए देखिए अब क्या करना है, इसके बीच का अंतर कितना है, इसका बीच का अंतर है दो का, ठीक है, दो का अंतर हो गया, इसके बीच का अंतर दो का, कितना पद पूछा है पंद्रह, पंद्रह में से एक घटा लीजिएगा, पंद्रह में से एक घटाइएगा और उसको इससे गुना कर दीजिएगा, पंद्रह से घटाएंगे कितना चौदह दुनिया अट्ठाईस
और लास्ट वाला आपको जोड़ देना है, यानी कि पहला वाला पद आपको जोड़ देना है, है ना। पहला वाला तो मैंने 14 28 की 31 आपका आंसर आ चुका है। 31 समझ में आया? फिर से देखिए क्या मैंने बोला कि 5 और 3 दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 का। कितना पद पूछा है, 15, एक घटा लीजिए 14, 14 28, 2 से गुणा करके 28 और पहला पद को जोड़ देना, यानी 31 आपका अंतर आ चुका है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए कितने पदों का मान कितना होगा, तो आप इस तरह से लगाइए, क्या करना है, पहला बार दोनों पद के बीच में अंतर जो रहेगा उससे और जितना पद का मान पूछा है उसमें से एक घटा कर गुणा कर दीजिए और पहला पद को जोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पे मैं ट्रिक भी लिख देता हूँ इसका, ताकि आपको ठीक है ना, यहाँ पे इस फॉर्मूले में ही देखो आपको छुपा हुआ है, आप समझिएगा ध्यान से। ए प्लस एन माइनस वन मतलब जितना पूछा था उसे घटाइए और सर्वतर में से गुणा कर दीजिए और प्लस जोड़ दीजिए, अंतर है ना। और सबको सेम चीज यही करना है, कुछ नहीं होता है फॉर्मूला ट्रिक वगैरह, सब सोचने पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पूरी तरह से डाउट क्लियर हो चुका है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कोई भी डाउट अगर आपका है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और कोई भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको भेज दीजिए। पूरा बेसिक से मैंने बताया है पूरा टॉपिक को, एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा ताकि पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज दीजिएगा, ताकि सबको मदद मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।